हेलो, आई एम नीरज, योर एक्सपर्ट एडवाइजर फ्रॉम ल्यूमिनस। लेट मी गेस, आप अपना ग्रिड टाई इन्वर्टर सक्सेसफुली इंस्टॉल कर चुके हैं और अब सोच रहे हैं कि इसका सोलर जनरेशन डेटा कैसे देखें। इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि कैसे डोंगल आपके ग्रिड टाई इन्वर्टर में इंस्टॉल किया जाता है। इंस्टॉलेशन के लिए आपके पास ये चीजें जरूर होनी चाहिए: GTI डोंगल, एक वर्किंग सिम कार्ड और एक फ्लैट हेड स्क्रू ड्राइवर। ध्यान रखें कि सिर्फ एयरटेल, वोडाफोन या आइडिया के 2G सिम कार्ड ही इस डिवाइस के साथ काम करेंगे। जियो सिम का ऑपरेटिंग बैंडविड्थ अलग होता है, इसलिए वो कंपैटिबल नहीं है। और अगर आपके पास 4G सिम है तो अपने नेटवर्क ऑपरेटर से जरूर चेक कीजिए कि आपका सिम कार्ड 2G नेटवर्क पे भी काम करता है या नहीं। वैसे ज्यादातर 4G सिम कार्ड 2G नेटवर्क पे भी काम करते हैं, पर शुरू करने से पहले एक बार अपने नेटवर्क ऑपरेटर से चेक करने में कोई हर्ज नहीं है। अब अगर आपने चेक कर लिया है कि आपके पास सारी जरूरतमंद चीजें हैं, तो हम शुरू करते हैं। सिम कार्ड को डोंगल में इंस्टॉल करने के लिए पहले डोंगल के बैक साइड कवर के 4 पिंस को स्क्रू ड्राइवर से अंदर की तरफ प्रेस करके खोलें। अब बैक साइड कवर को पुल करके निकाल दें। आप देखेंगे कि एक सिम कार्ड स्लॉट है इस तरह का। इस स्लॉट में सिम कार्ड ट्रे को स्लाइड करके अनलॉक कीजिए और फिर ट्रे में सिम कार्ड इंसर्ट करें। सिम कार्ड को ट्रे में इंसर्ट करने के बाद इस तरह से सिम कार्ड ट्रे को लॉक करें। और हाँ, लॉक करने से पहले ध्यान दीजिएगा इस स्टिकर पे जिस पे आपके डिवाइस का सीरियल नंबर प्रिंटेड होता है, इस सीरियल नंबर की फोटो खींच लीजिए या फिर नोट डाउन कर लीजिए। अब डोंगल को दोबारा लॉक कर दें और इसके साथ आपका डिवाइस इन्वर्टर में कनेक्ट करने के लिए तैयार हो गया। डोंगल को इन्वर्टर के नीचे मौजूद कॉम पोर्ट से कनेक्ट करें। कॉम पोर्ट से कनेक्ट करने के बाद डोंगल के टॉप से एंटीना क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाते हुए कसें। आपकी इंस्टॉलेशन अब कंप्लीट हो गई है। इन्वर्टर को स्विच ऑन कर दीजिए और 5 से 10 मिनट में आपके इन्वर्टर का डेटा क्लाउड पर ट्रांसफर होना शुरू हो जाएगा। आपको अपने इन्वर्टर का डेटा एक्सेस करने के लिए पहले monitor.gtiluminous.com/login पे जाकर अपने इंस्टॉलर के लॉगिन आईडी और पासवर्ड से साइन इन करके डिवाइस रजिस्टर करना जरूरी है। लॉगिन होने के बाद टॉप लेफ्ट पे प्लांट सेंटर पे क्लिक कीजिए और फिर न्यू प्लांट सिलेक्ट करें। यहाँ आप अपने फॉर्म में मांगी हुई इन्फॉर्मेशन भर दें। मांगी हुई इन्फॉर्मेशन भरने के बाद अब आप अपना डिवाइस इजीली इस तरह से लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। सिलेक्ट पे क्लिक कीजिए, डिवाइस टाइप में लिखें डेटा लॉगर, ब्रांड सोलर मैन और सीरियल नंबर में डोंगल पे मौजूद सीरियल नंबर डालें। ध्यान रखें, आपके डिवाइस का सीरियल नंबर यूनिक होता है और सिर्फ एक यूजर अकाउंट से ही लिंक किया जा सकता है। आपका डिवाइस रजिस्टर होते ही आप अपना डेली, मंथली और ईयरली डेटा रिव्यू कर सकते हैं। कस्टमर आईडी और पासवर्ड क्रिएट करने के लिए एसोसिएशन रिलेशंस पे क्लिक करें और ओनर कॉलम में क्रिएट ए पीवी मॉनिटर आईडी फॉर ओनर सिलेक्ट करें। यहां आप अपना नाम, अकाउंट आईडी और पासवर्ड भर दें। आप अपना सोलर सिस्टम डेटा एक्सेस कर सकते हैं mysolar.gtiluminous.com पे अपने कस्टमर आईडी एंड पासवर्ड से लॉगिन करके। मान लीजिए कि आप मल्टीपल सोलर सिस्टम्स यूज कर रहे हैं अलग अलग लोकेशंस पर, तो आप अपने सारे सिस्टम्स प्राइमरी कस्टमर अकाउंट से लिंक करके एक ही जगह सारा डेटा एक्सेस कर सकते हैं। इसके लिए डिवाइस इंस्टॉलर को एक कस्टमर अकाउंट बनाना पड़ेगा प्राइमरी प्लांट 1 के लिए, जैसे हमने आपको अभी दिखाया। कस्टमर आईडी और पासवर्ड को ध्यान से नोट करके रखें, हमें इसकी जरूरत प्लांट 2 को आपके कस्टमर आईडी से कनेक्ट करने के लिए होगी। अब सेकेंडरी कस्टमर आईडी को प्राइमरी कस्टमर आईडी से लिंक कर लें। अब आपके दोनों आईडी आपके अकाउंट से कनेक्ट हो गए हैं और अब इनका डेटा देखा जा सकता है। वेरीफाई करने के लिए अपने क्रेडेंशियल से लॉगिन करें। ऐसे ही आपका डिवाइस सेटअप आसानी से खत्म हो गया है और जल्दी भी। विद ल्यूमिनस, इट्स इजी टू हैव ए हैप्पी होम लिविंग। और जानकारी के लिए luminousindia.com पे लॉगिन करें और हमारी बेस्ट इन क्लास इन्वर्टर रेंज में से अपनी पसंद का इन्वर्टर चूज करें। भूलिएगा नहीं, इस वीडियो को लाइक और शेयर करें
और ऐसे वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें। स्टे ट्यून्ड।